उत्तर भारत में 13, 14 और 15 अप्रैल के बीच बारिश आधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में बिजली भी कड़क सकती है उत्तर पश्चिम भारत में 13 अप्रैल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में आंधी झकड़ के साथ बारिश होगी इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के मुताबिक तेरह चौदह और पंद्रह अप्रैल के बीच तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ओलावृष्टि होगी इसके अलावा मध्य भारत में भी तेरह चौदह अप्रैल के बीच बारिश आधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ आई एम डी के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से लेकर 15 अप्रैल तक कर्नाटक तेलंगाना केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र तमिलनाडु बंगाल झारखंड ओडिशा हरियाणा बिहार यूपी पंजाब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुदुचेरी में भी हल्की के साथ कई इलाकों में भारी बारिश होने के भी आसार हैं। इसके साथ साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी हुई है यूपी में 13 चौदह अप्रैल को भी पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी के साथ एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश की बौछारे पड़ने की संभावना है इस दौरान पश्चिमी यूपी चालीस ऐसी पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसी हवाएं चलने की संभावना है जबकि कई जगहों आरोप ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गयी यूपी में आज मथुरा अलीगढ़ इटावा हाथरस औरैया आगरा फिरोजाबाद जालौन हमीरपुर झांसी महोबा ललितपुर में एक दो स्थानों आरोप बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी हुई है जबकि रविवार से बागपत मेरठ गाजियाबाद नोएडा बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा हाथरस, एटा फिरोजाबाद आगरा मैनपुरी इटावा और जालौन और झांसी में तेज हवाओं और बारिश के साथ वोले गिर सकते हैं आज बिहार मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार बिहार के सात जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए दक्षिणी भागों के नौ शहरों भभुआ औरंगाबाद रोहतास गयानाबाद आजामु इका भागलपुर व मुंगेर में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा व कुछ स्थानों पर वज्रपात व तेज हवा के प्रभाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है एमपी का मौसम एमपी मौसम विभाग ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया भोपाल इंदौर उज्जैन विदिशा पन्ना सागर अशोकनगर भिंड राजगढ़ बुरहानपुर मंदसौर सिंगरौली खंडवा खरगोन धार देवास सागर मालवा शहडोल उमरिया कटनी जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति रहेगी वहीं जबलपुर रायसेन बालाघाट जोजापुर सीहोर हरदा शिवनी डिंडोरी और दमोह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है छिंदवाड़ा बैतूल नर्मदापुरम नरसिंहपुर पांडुना में रेड अलर्ट है राजस्थान का मौसम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश का दौर शुरू हो चुका है राजस्थान में तेरह और चौदह अप्रैल को तेज अंधड़ के साथ गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जिला प्रशासन ने सभी मंडियों के सचिव और किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक श्याम शर्मा ने बताया कि 13 चौदह अप्रैल को एक मजबूत सिस्टम पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय रहेगा इसकी वजह से जैसलमेर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चुरू झुंझुनू सीकर जालौर नागौर जोधपुर बाड़मेर के अलावा पूर्वी राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले में तेज अंधड़ चलने की संभावना है झारखंड मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 13 अप्रैल को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है इस तरह का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है यह बारिश झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी निकटवर्ती बागों में हो सकती है पूर्वी सीबू पश्चिमी सिंह सरायकेला खरसावा सिमडेगा रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी रामगढ़ लोहरदगा कोडरमा साहेबगंज चमताड़ा रामगढ़ जिले में बारिश हो सकती है मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद